साइको मुख्यमंत्री है। ये पप्पू यादव हैं मधेपुरा से सांसद, और जिसके बारे में बोल रहे हैं उनका नाम तो आप समझ ही गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो हम बता देते हैं। ये जनाब बात कर रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, और उन्हें ऑड इवन के मामले पर घेर रहे हैं। दिल्ली में लागू ऑड इवन पर जमकर बरसे पप्पू यादव, और इस फॉर्मूले को भ्रष्टाचार बढ़ाने वाला फॉर्मूला बताया। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदया जी। अध्यक्ष महोदया, आज लगातार इस देश में एक परंपरा बनी जा रही है कि राजनीतिज्ञों के द्वारा राजनीति लाभ घाटे के कारण, चाहे वो सत्ता की राजनीति हो, चाहे वो वोट बैंक की राजनीति हो, चाहे अर्थ की राजनीति हो, लगातार देखा जाता है कि किस तरह के पॉलिटिकल गैम्बलर लोग इस देश के आम आदमी, बच्चे, माँ, औरत, बूढ़े, हर तरह के सामाजिक लोगों पर एक आतंक का माहौल पैदा किया जाए। दिल्ली में कानपुर की एक आईटीआई ने एक सर्वे करके बताया कि आईआईटी की किस तरीके से 35% ट्रक के माध्यम से प्रदूषण, 30% डस्ट के माध्यम से प्रदूषण, 30% मोटरसाइकिल के माध्यम से प्रदूषण, और मात्र 5% ही बीच के माध्यम से प्रदूषण, बीच छोटी गाड़ी से, चार चक्के से प्रदूषण होती है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, 95% प्रदूषण पर कोई चर्चा नहीं, 5% प्रदूषण को लेकर के जिस तरीके से लगातार एक जज साहब ने कह दिया कि मैं समर्थन करता हूं, और वही जज साहब, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मैं वही जज साहब ने फिर अपने रूलिंग दी। अब मैं आपसे एक बहुत ही गंभीरता से कहना चाहूंगा कि क्या इस जो इस तरीके के ऑडी वैन इवैन की जो प्रक्रिया यहां शुरू की गई सस्ती लोकप्रियता के लिए, मुझे लगता है, मैं बहुत ही विनम्रता से आपसे कहना चाहूंगा कि क्या ये किसको फायदा, एक तो बस को खरीद करके पूरा धन संग्रह करने की नए बसों के द्वारा बस की खरीदारी, दूसरा सीएनजी कंपनी की मदद, दूसरा गाड़ी कंपनी की मदद, चौथा जिसने वोट दिया, जिसने मिडिल क्लास के लोग जिनके पास एक गाड़ी है, मारुति गाड़ी है, बच्चे परेशान हैं, इस दिल्ली की औरतें परेशान हैं, इस दिल्ली के गृहिणी परेशान हैं, मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा बहुत ही कर्मठ आग्रह से कि किसी भी परिस्थिति में जो जिस इस देश में ये जो अरविंद, ये जो यहाँ के मुख्यमंत्री है, ये साइको है, साइको, ये साइको मुख्यमंत्री है, इससे बड़ा बेईमान, इससे बड़ा गैम्बलर मुख्यमंत्री नहीं हो सकता है। ये भ्रष्टाचार पैदा करने के लिए इसने बस को खरीदा, बस हो गया, बैठिए। तो सुना आपने पप्पू यादव की दलीलें, जिसके बिना पर वो केजरीवाल को साइको और भ्रष्टाचारी बता रहे थे, और इस फॉर्मूले से कैसे दिल्ली के लोगों को केजरीवाल सरकार ठग रही है ये भी बताया। पप्पू यादव का गुस्सा खूब दिखा केजरीवाल के ऊपर। एक बार और आपको पप्पू यादव का लोकसभा में दिया पूरा बयान सुनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदया जी। अध्यक्ष महोदया, आज लगातार इस देश में एक परंपरा बनी जा रही है कि राजनीतिज्ञों के द्वारा राजनीति लाभ घाटे के कारण, चाहे वो सत्ता की राजनीति हो, चाहे वो वोट बैंक की राजनीति हो, चाहे अर्थ की राजनीति हो, लगातार देखा जाता है कि किस तरह के पॉलिटिकल गैम्बलर लोग इस देश के आम आदमी, बच्चे, माँ, औरत, बूढ़े, हर तरह के सामाजिक लोगों पर एक आतंक का माहौल पैदा किया जाए। दिल्ली में कानपुर की एक आईटीआई ने एक सर्वे करके बताया कि आईआईटी की किस तरीके से 35% ट्रक के माध्यम से प्रदूषण, 30% डस्ट के माध्यम से प्रदूषण, 30% मोटरसाइकिल के माध्यम से प्रदूषण, और मात्र 5% ही बीच के माध्यम से प्रदूषण, बीच छोटी गाड़ी से, चार चक्के से प्रदूषण होती है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, 95% प्रदूषण पर कोई चर्चा नहीं, 5% प्रदूषण को लेकर के जिस तरीके से लगातार एक जज साहब ने कह दिया कि मैं समर्थन करता हूं, और वही जज साहब, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मैं वही जज साहब
ने फिर अपने अपने रूलिंग दी। अब मैं आपसे एक बहुत ही गंभीरता से कहना चाहूंगा कि क्या इस जो इस तरीके के ऑडी वैन इवैन की जो प्रक्रिया यहां शुरू की गई सस्ती लोकप्रियता के लिए, मुझे लगता है, मैं बहुत ही विनम्रता से कहना चाहूंगा, बहुत ही विनम्रता से आपसे कहना चाहूंगा कि क्या ये किसको फायदा, एक तो बस को खरीद करके पूरा धन संग्रह करने की नए बसों के द्वारा बस की खरीदारी, दूसरा सीएनजी कंपनी की मदद, दूसरा गाड़ी कंपनी की मदद, चौथा जिसने वोट दिया, जिसने मिडिल क्लास के लोग जिनके पास एक गाड़ी है, मारुति गाड़ी है, बच्चे परेशान हैं, इस दिल्ली की औरतें परेशान हैं, इस दिल्ली के गृहिणी परेशान हैं, मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा बहुत ही कर्मठ आग्रह से कि किसी भी परिस्थिति में जो जिस इस देश में ये जो अरविंद ये जो यहाँ के मुख्यमंत्री है ये साइको है, साइको ये साइको मुख्यमंत्री है, इससे बड़ा बेईमान, इससे बड़ा गैम्बलर मुख्यमंत्री नहीं हो सकता है। यह भ्रष्टाचार पैदा करने के लिए इसने बस को खरीदा, बस हो गया, बैठिए। पप्पू यादव पहले भी केजरीवाल का विरोध करते रहे हैं, लेकिन ये पहला मौका था जब लोकसभा में अरविंद केजरीवाल को लेकर साइको और भ्रष्टाचारी जैसे शब्दों का इस्तेमाल पप्पू यादव ने किया था। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदया जी। अध्यक्ष महोदया, आज लगातार इस देश में एक परंपरा बनी जा रही है कि राजनीतिज्ञों के द्वारा राजनीति लाभ घाटे के कारण, चाहे वो सत्ता की राजनीति हो, चाहे वो वोट बैंक की राजनीति हो, चाहे अर्थ की राजनीति हो, लगातार देखा जाता है कि किस तरह के पॉलिटिकल गैम्बलर लोग इस देश के आम आदमी, बच्चे, माँ, औरत, बूढ़े, हर तरह के सामाजिक लोगों पर एक आतंक का माहौल पैदा किया जाए। दिल्ली में कानपुर की एक आईटीआई ने एक सर्वे करके बताया कि आईआईटी कि किस तरीके से 35% ट्रक के माध्यम से प्रदूषण, 30% डस्ट के माध्यम से प्रदूषण, 30% मोटरसाइकिल के माध्यम से प्रदूषण, और मात्र 5% ही बीच के माध्यम से प्रदूषण, बीच छोटी गाड़ी से, चार चक्के से प्रदूषण होती है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, 95% प्रदूषण पर कोई चर्चा नहीं, 5% प्रदूषण को लेकर के जिस तरीके से लगातार एक जज साहब ने कह दिया कि मैं समर्थन करता हूं, और वही जज साहब, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मैं वही जज साहब ने फिर अपने अपने रूलिंग दी। अब मैं आपसे एक बहुत ही गंभीरता से कहना चाहूंगा कि क्या इस जो इस तरीके के ऑडी वैन इवैन की जो प्रक्रिया यहां शुरू की गई सस्ती लोकप्रियता के लिए, मुझे लगता है, मैं बहुत ही विनम्रता से कहना चाहूंगा, बहुत ही विनम्रता से आपसे कहना चाहूंगा कि क्या ये किसको फायदा, एक तो बस को खरीद करके पूरा धन संग्रह करने की नए बसों के द्वारा बस की खरीदारी, दूसरा सीएनजी कंपनी की मदद, दूसरा गाड़ी कंपनी की मदद, चौथा जिसने वोट दिया, जिसने मिडिल क्लास के लोग जिनके पास एक गाड़ी है, मारुति गाड़ी है, बच्चे परेशान हैं, इस दिल्ली की औरतें परेशान हैं, इस दिल्ली के गृहिणी परेशान हैं, मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा बहुत ही कर्मठ आग्रह से कि किसी भी परिस्थिति में जो जिस इस देश में ये जो अरविंद ये जो यहाँ के मुख्यमंत्री है ये साइको है, साइको ये साइको मुख्यमंत्री है, इससे बड़ा बेईमान, इससे बड़ा गैम्बलर मुख्यमंत्री नहीं हो सकता है। यह भ्रष्टाचार पैदा करने के लिए इसने बस को खरीदा, बस हो गया, बैठिए।